हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग के टैब में आप लोग हाइड किए हुए एप्लीकेशन को कैसे अनहाइड कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी टैब है और इस टैब में जो है आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशन को हाइड किया था, अभी आप लोगों को उन एप्लीकेशन को जो है फिर से अनहाइड करना है। और आपको जो यहाँ पर अनहाइड करना नहीं आ रहा है, आप लोग जो यहाँ पर भूल चुके हो कि कैसे आप लोग जो है एप्लीकेशन को अनहाइड कर सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा गाइस आप लोगों को कि कैसे आप लोग ऐप को अनहाइड कर सकते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ गाइस, मेरा जो YouTube है वो यहाँ पर से हाइड है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाऊंगा तब भी आप लोगों को यहाँ पर YouTube का एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं YouTube जो है मैंने हाइड किया था, तो मैं YouTube को जो है फिर से अनहाइड करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अनहाइड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपने इस होम स्क्रीन में आ जाना है। होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है लॉन्ग प्रेस करके रखना है। लॉन्ग प्रेस करके रखते ही यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस सेटिंग्स का, तो इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा गाइस हाइड एप्स ऑन होम एंड ऐप स्क्रीन्स का, तो इस ऑप्शन पे जो है आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक हिडन ऐप्स का एक ऑप्शन होगा और हिडन ऐप्स पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हाइड किए हुए एप्लीकेशन। तो मेरे इस टैब में जो है एक ही एप्लीकेशन हाइड किया हुआ है। अगर आपके टैब में बहुत सारे एप्लीकेशन हाइड किए थे आप लोगों ने, तो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो अनहाइड करने के लिए देख सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर की तरफ यहाँ पर एक रेड कलर का माइनस बटन है, तो इस माइनस बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन होगा, डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका वो एप्लीकेशन जो अनहाइड हो जाएगा। अभी अगर आप लोग यहाँ पर ऐप लिस्ट में जाएंगे तो देख सकते हैं यूट्यूब का एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो गया है। तो ऐसे करके जो आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी टैब में आप लोग एप्लीकेशन को अनहाइड कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।